हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अश्वमेघ विद्यालय। माई सेल्फ सुरेखा पटेल एंड विल कंटिन्यू अवर चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग रिवोल्ट के बारे में बात कर रहे थे और जहाँ पे रिवोल्ट कैसे ख़त्म हुआ था, तात्या टोपे को फांसी लगाई गई थी, बराबर। यहाँ तक हम लोग ने डिस्कस लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। अभी ये जो रिवोल्ट है वो उसका एंड आने के मेन रीजंस क्या थी, क्यों वजह से ये फेलियर हो गया, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ी समरी देख लेते हैं आज, और उसके बाद रिवीजन एंड सॉल्यूशन वीडियो। ओके, व्हाई वाज द रिवोल्ट अ फेलियर, क्यों फेलियर गया था। द रिवोल्यूशनरी फेल टू रिट्रीव द पावर फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ड्यू टू देयर लिमिटेशंस, सम ऑफ विच आर। हमारे जो रिवोल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी जो भाइयों थे, जो वो पावर थे वो रिट्राइव यानी कि अपने हाथ में, देश को अपने हाथ में लाने में कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से फेल हो गए थे बिकॉज ऑफ सम लिमिटेशंस। उनके पास, उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो जिसके अंदर कौन सी लिमिटेशंस थी जो जिसके अंदर फर्स्ट देखेंगे, द रिबेल्स लैक कोऑर्डिनेशन। पहले तो कोऑर्डिनेशन नहीं था उन लोगों के अंदर, कोऑर्डिनेशन का एक दूसरे के बीच में लैकनेस था। देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज लीडरशिप, हर एक प्रोविजन में तो थी लेकिन हर एक प्रोविजन में एक सेंट्रलाइज लीडरशिप नहीं थी। देयर वॉज नो प्रोविजन ऑफ रेनफोर्समेंट ऑफ मैन मनी एंड एम्यूनिशंस। तो यहाँ पे एक तो कोऑर्डिनेशन था ही ना, सेंट्रलाइज में कोई लीडरशिप नहीं था, और जो प्रोविजंस थे उनकी वहाँ पे जो मेन है मनी है, और जो चीज़ें इक्विपमेंट होनी चाहिए जैसे कि बुलेट, शेल्स, कैनल्स, ये सारी चीज़ों को, कैनल्स, ये सारी चीज़ों की जो थी वो स्ट्रेंथ नहीं थी। रेनफोर्स यानी स्ट्रेंथ ऑफ मैन, जो सोल्जर्स होने चाहिए, क्रांतिकारी होने चाहिए, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये जो रिवोल्ट है वो फेल गया था। सेकेंड, द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट हैपन वे बिफोर द प्री प्लान डेट। प्री प्लान डेट से पहले ही ये चालू हो गया था, ये हम लोगों ने आगे देखा। एज अ रिजल्ट द प्लानिंग वॉज डिस्टर्ब एंड इट अलर्टेड द ब्रिटिश, और जिसके वजह से उसका जो प्लानिंग था वो डिस्टर्ब हो गया, और जिसके वजह से ब्रिटिशर्स को जो ये प्लान थे उसके बारे में सब जो अलर्टनेस है वो मिल गई। तो ये भी फेल होने का रीजन है। थर्ड वन, द रिवॉल्ट रिमेन सेंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है जनरली लार्जली ये सेंट्रेट हुआ। मैनी सोशल रिफॉर्म्स रिफ्रेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ज्वाइनिंग द रिवॉल्ट। दिस प्रूव्स दैट इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। जो नॉर्थन पार्ट के अंदर जो रिवॉल्ट है वो लार्जली रिमेन यानी कि बाकी रह गया। तो जो सोशल वर्कर्स थे, रिफॉर्मर्स थे, क्रांतिकारी जो थे, वो जो थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रिवॉल्ट में ज्वाइन हुए थे वो उससे बचना चाहते थे, मतलब निकलना चाहते थे। दिस प्रूव दैट इंटेलेक्चुअल क्लास डिड नॉट सपोर्ट द रिवॉल्ट। इसका मतलब ये था जो इंटेलेक्चुअल क्लास था यानी जो पढ़ा लिखा क्लास था वो ये रिवॉल्ट के अंदर जो है इंटरेस्टेड नहीं था। मेनली जो मिडल पुअर्स पीपल थे वही ज़्यादा ये रिवोल्ट के अंदर, या जो जो एक्सप्लॉयटेड हुए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा, वही ये रिवोल्ट के अंदर ज़्यादा इंक्लूड हुए थे। तो इसका मतलब होता है कि जो इंटेलिजेंस थे, जो एक्सपर्ट्स थे, वो लोग ये चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं थे। जो इंटेलिजेंट पीपल थे उनका सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो गाइड मिलनी चाहिए यानी कि जो एडवाइजरी मिलनी चाहिए वो लोगों को मिली नहीं थी, और जिसके वजह से ये रिवॉल्ट जो है वो फेल हुआ था।
इंडिया इज अ कंट्री नोन फॉर इट्स रीजनल डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज फूड हैबिट्स ड्रेसिंग एक्सेट्रा। हम लोगों को पता है कि हमारा भारत देश जो है वो प्रादेशिक डाइवर्सिटी दर्शाता है, जैसे रीजनल अलग अलग चेंजेस होते हैं तो अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग फूड हैबिट ड्रेसेस एक्सेट्रा। बिफोर द ब्रिटिश रूल द पीपल वेर रूल्ड बाय रीजनल डायनास्टीज। ब्रिटिश रूल के पहले जो लोग थे प्रादेशिक वंश परंपरागत जो चीज थी उसके ऊपर रूल करते थे, जैसे हरेक प्रोविजन के अंदर हरेक राजा की जो अलग अलग राजा थे किंग थे वो रूल ओवर करते थे। हम लोगों ने सिक्स लेसन के अंदर ये जो है रूलिंग मेथड जो है वो सीखी थी। एज ए रिजल्ट द समटाइम्स ऑफ नेशनलिज्म बिलोंगनेस टू इंडिया एज वन नेशन हैड नॉट डेवलप आइदर इन पीपल और इन देयर लीडर्स। जिसके वजह से क्या होता था कि हर एक प्रोविजंस में अलग अलग किंग जो थे वो रूल ओवर करते थे, जिसके वजह से वहाँ उस टाइम के जो लोग थे उनके अंदर नेशनलिज्म यानी राष्ट्र प्रेम की जो भावना थी वो विकास नहीं हुई थी। हर कोई लोग जो थे वो अपने रीजन अपने प्रदेश के प्रति जितना ऑर्डरनेस था, अपने प्रदेश के प्रति जितना प्रेम दिखाता था उतना देश के प्रति जो है बिलोंगनेस नहीं करते थे। लोगों को राष्ट्रीय प्रेम की जो भावना थी वो इतनी डेवलप्ड नहीं हुई थी। मेनी लीडर्स आइदर साइड विद द ब्रिटिश और रिमेन पैसिव एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट। क्या होता था कि बहुत सारे उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि सब्सिडरी एलियंस के द्वारा बहुत सारे किंग थे जिन्होंने ये सब्सिडरी एलियंस पॉलिसी जो थी अपना ली थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो थे वो उनकी आर्मी को आर्मी फोर्स देते थे, बराबर। ये सारी चीज सब्सिडरी एलियंस में थी, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उसके साइड में बहुत सारे किंग हो गए थे, जिसके वजह से रिवॉल्ट के टाइम वो लोग रिमेन ये रिवॉल्ट के अंदर जुड़ने से इतने जल्दी जो है पैसिव नहीं हुए, यानी उन लोगों का पॉजिटिव एटीट्यूड जो होना चाहिए वो हुआ नहीं। हर कोई जो है ये रिवॉल्ट के अंदर ज्वाइन हुआ नहीं, जिसके वजह से ये रिवॉल्ट जो है वो फेल हुआ। नेक्स्ट इज द सिख्स एंड द गुरखास ब्रॉट सॉरी फाउट बाय द साइड ऑफ द ब्रिटिश विच प्रूव टू बी अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द रिबेल। जो सिख और गुरखा थी भारत देश की वो ब्रिटिशर्स के साइड लड़े थे, जिसके वजह से ये हमारे फेलियर होने का मेनली डिसएडवांटेजेस है। द ब्रिटिश हैड अ सुपीरियर आर्मी वेपन्स एंड मिलिट्री कमांडर्स कंपेयर टू द रिबेल। हमारे जो रिबेलियंस थे क्रांतिकारी भाइयों थे उनके पास जितनी चीजें नहीं थी, जो आर्टिलरीज थी आर्टिलरी नहीं थी उतनी मात्रा में, कि शस्त्र जो थे वेपन्स थे वो इतने नहीं, जबकि ब्रिटिशर्स के पास ये सारी चीजों में वो सुपीरियर थे। ऑल द लीडर्स वेर फाइटिंग फॉर द फाइटिंग फॉर रिगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश। दे वेर नॉट फाइट फॉर द फ्रीडम फॉर देयर नेशन। जो लीडर्स थे वो जुड़े थे वो खाली अपने प्रोविजंस अपने टेरिटरीज यानी अपने प्रदेश को छुड़ाने के लिए अपने प्रदेश के लिए ही लड़े थे। कोई भी जो लीडर्स थे वो देश के लिए इतने देश को फ्रीडम करने के लिए फाइट नहीं किए थे। मतलब उस टाइम जो थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों को अपने प्रोविजंस को मुक्त कराने में ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, पूरे एंटायर नेशन के लिए कोई भी सोचता नहीं था। और जिसके वजह से ये रिबेल जो है ये 1857 रिवॉल्ट जो है वो फेलियर हुआ था। अब ये जो रिवॉल्ट फेल हुआ था तो उसकी क्या इफेक्ट हुई थी, रिवॉल्ट की कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट हुई और कॉन्सिक्वेंस यानी कि उसके जो रिजल्ट थे वो रिजल्ट क्या आए थे। तो द रिवॉल्ट वॉज नॉट सक्सेसफुल अगेन द ब्रिटिशर्स, हाउ एवर इट स्टिल यूजर्स इन अ न्यू एरा ऑफ चेंजेस। नए युग में ये रिफॉर्म होके चेंज होके उसको यूज किया गया। कंपनी रूल कम टू एन एंड इन इंडिया एंड इंडिया कम अंडर द रूल ऑफ क्राउन। देश के अंदर कंपनी रूल जो है वो खत्म हुआ, लेकिन कम अंडर द रूल ऑफ क्राउन जो किंग थे उनके हस्तक में भारत देश आया। द इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया वॉज स्टॉप। प्रिंसली स्टेट जो प्रिंस रूल ओवर करते थे ये जो था इंटरफेरेंस यानी कि इंटरनल अफेयर्स जो जैसे कि
हर एक किंग जो था वो अपने प्रोविजन ही संभालता था, तो ये चीज भी स्टॉप हुई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज कंपेल्ड टू चेंज इट्स पॉलिसीज टूवर्ड्स इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत देश के, उनकी जो पॉलिसीज थी वो भारत देश के प्राधान्य में, यानी उनके पॉजिटिव ने उसके लिए पॉलिसीज जो थी वो चेंज की। द सैलरी अलाउंसेस एंड फैसिलिटी गिवन टू द इंडियन सोल्जर सिपॉइज वेर इंक्रीज। ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन होता था, तो ब्रिटिश जो ब्रिटिशर्स थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी और इंडियन सोल्जर्स को कम मिलती थी, तो ये सारी चीज़ों के जो है बढ़ोतरी हुई, सबको सेम रिम्यूनरेशन मिला, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन लोगों की ध्यान में रखते हुए जो है ये डिसीजन लिया। सिपोई, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है सिपोई, यह सिपोई यानी कैर इंक्रीज, यानी सिपोई यानी कि जो ब्रिटिशर्स के सामने जॉब करते थे सोल्जर्स, जो ब्रिटिशर्स की सर्विस को सर्व ऐसे पर्सन उनको सिपोई कहा जाता है, इट इज वन टाइप ऑफ सोल्जर। तो ये जो सिपोई थे वो भी इंक्रीज किए गए, यानी ब्रिटिशर्स ब्रिटिश सेना के अंदर भारतीय सोल्जर्स की मात्रा जो है बढ़ाई गई। द रिवॉल्ट हैपन इन इनवोकिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल ऑफ इंडिया। ये रिवॉल्ट वजह से भारत देश के सभी लोगों के अंदर राष्ट्र प्रेम, नेशनल की जो फीलिंग थी वो इनवोकिंग यानी जागृत हुई। तो इस तरह ये रिवॉल्ट जो है वो भले फेलियर हुआ लेकिन उसकी जो इफेक्ट हुई वो पॉजिटिव हुई, लोगों के अंदर जो है जो भावना आनी चाहिए वो हुई और पॉजिटिव एटीट्यूड आया, और जो है ब्रिटिशर्स ने भी अपनी जो पॉलिसीज थी उसके अंदर चेंजेस किए। थैंक यू।